नमस्कार, वेलकम टू सपना मास्टर आयल्स एंड वी हैव द लोगो चेज योर ड्रीम्स। आज आपके सामने द वीडियो है दैट इज अबाउट राइटिंग टास्क टू विच केम ऑन 27th मार्च 2021 एंड इन मॉर्निंग स्लॉट। द स्टेटमेंट इज सिमिलर टू दैट विच केम इन आयल्स एग्जाम, सो जस्ट हैव अ लुक एट दैट। जी, मोस्ट रिक्रूटर्स नाउ डेज पुट एम्फसिस ऑन सोशल स्किल्स, पर्सनल क्वालिटीज, लाइफ एक्सपीरियंस, जब वो एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं, हायर करते हैं। अदर्स हाउएवर ये बिलीव करते हैं कि गुड क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर जॉब सक्सेस। तो आप इस चीज से कितना अग्री करते हैं? क्वेश्चन था, टू वॉट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, इसके ऊपर बेस्ड था। ये मॉर्निंग स्लॉट में आया है, लेट्स हैव अ लुक एट द सैम्पल आंसर ऑफ इट। ओके, अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट टुडे, सोशल स्किल्स आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट गुड क्वालिफिकेशंस हैं रिक्रूटिंग द एम्प्लॉयज। इसमें इट इज लाइक डिजाइनिंग, अगर हमारे पास सोशल स्किल्स नहीं होती हैं, इट इज लाइक डिजाइनिंग अ कार विद पावरफुल इंजन बट विद सब स्टैंडर्ड स्टीयरिंग एंड ब्रेकिंग सिस्टम। सो हम ये इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, हाउ एवर हाईली क्वालिफाइड दैट मे बी दैट लैक द सॉफ्ट स्किल्स। सो यू कैन टॉक अबाउट बोथ द थिंग्स एंड यू विल गिव द थीसिस स्टेटमेंट हेयर ऑल्सो, कि हम उसमें किस एसे में क्या लिखने वाले हैं। If we talk about the body paragraph, what can we write in a body paragraph? First of all, we'll talk about emphasis on social skills. So, social skills kya hai? Usme kaun kaun si cheeze aati? Creativity, adaptability, honesty, integrity, efforts, and these are more important besides the technical skills. So, it will tell you, if you tell and indicate how the person will function in the real world. So, aap ye sari ki sari cheeze mention karenge in your body paragraph one. सो इफ यू से रिक्रूटमेंट जो है वो फोकस्ड ऑन कैंडिडेट्स टेक्निकल स्किल्स और उसके एक्सपीरियंस उसके एक्सपर्टीज के ऊपर भी होता है, लैक करते हैं जहाँ पे सोशल स्किल्स, दिस इज बिकॉज दे लैक इमोशनल इंटेलिजेंस। सो इमोशंस एंड फीलिंग्स, दैट इज ऑल्सो बिकॉज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है व्हेन एम्प्लॉयज आर टू बी हायर्ड और फायर्ड। सो इट इज द एम्प्लॉयज फाइंड इट अनएबल टू हैंडल द सोशल डिमांड्स ऑफ द लीडरशिप। So these kind of things, these kind of points can be discussed also in the body paragraph. So अगर हम बात करें कि टेक्निकल स्किल्स के बारे में, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बारे में, दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज वेन वी हायर अ पर्सन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज अ पीस ऑफ पेपर इन फ्रंट ऑफ द रिक्रूटर। सो इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस जो है वो भी मैटर करता है। डिग्री सिंपली प्रूव्स दैट एन इंडिविजुअल हैज एक्वायर्ड द नेसेसरी एकेडमिक नॉलेज, उसके पास ये नॉलेज है एंड ही कैन डू द टेक्निकलिटी, ही कैन डू द टेक्निकल थिंग्स इन लाइफ फॉर द जॉब जो वो कर रहा है। सो इन समरी, जब आप इसके बारे में बात करेंगे, इट इज क्लियर टू अंडरस्टैंड वाई सोशल स्किल्स आर गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, बट क्वालिफिकेशंस दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड दे आर द की टू सक्सेस इन अ वर्क। Answer of writing task 2. I hope you have understood each and everything. And for more details, you can subscribe to the channel. Thank you so much for watching the video. Be there, stay tuned, be updated with all the material which I am putting for all of you guys. Take care. Bye bye.